तो मेरा नाम है विजय कुमार, आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में रात के रक्षक डोगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ये है डोगा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं। कानून से आंख मिचौली खेलेगा, जुर्म की दुनिया में मचाएगा तहलका, ये है डोगा। डोगा की कहानी जानना ज़रूर चाहेंगे आप, डोगा कैसे बना ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी कहानी ये है डोगा में। लेकिन खबरदार करता हूँ, डोगा की कहानी पढ़ते वक्त आपकी आंखों से एक भी आंसू ना गिरे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बाहों में थमा डोगा का जिस्म बेहोशी में भी तड़प उठेगा। डाकू हलकान सिंह का नाम तो आप जानते होंगे आप, अगर नहीं तो डोगा का प्रथम कॉमिक कर्फ्यू अवश्य पढ़ें, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। हलकान, बेरहम, कसाई, दरिंदा, हत्यारा, किस नाम से पुकारूं मैं उस शैतान को? तेरा बाप तेरी एवज में 2 लाख ना दे सका मुझे, अब तेरी लाश का तोहफा भेजूंगा उसे। जिंग। कुत्ता कहता था वो जालिम उस मासूम को, अबे वो कुत्ते के पिल्ले मेरा मुंह क्या देख रहा है, इसके लाश को उठाकर सड़क पर डाला। वो मासूम निर्दोषों की लाशें सड़क पर फेंक आता था। उस समय खून के कितने आंसू छलकने को तैयार हो जाते थे उसकी आंखों से, लेकिन उन्हें छलकने नहीं देता था, आंसुओं के उस खून को पी जाता था वो। क्यों वे कुत्ते के पिल्ले इतनी देर लगा दी लाश फेंक कर आने में? खाना क्या तेरा हरामी बाप बनाएगा नरक से आकर? 15 बरस तक दबा खून के आंसुओं का सैलाब लावे में बदलने लगा उस दिन। ठक, नहीं, छोड़ दो मुझे, उफ, तड़ाक, बहुत शोर मचा रही है। हलकान के आगे आवाजें हलक में घुट जाती है। लड़की कौन है ये? लोहा सिंह, सरदार, एक बड़े भट्टा मालिक की छोरी है, 10-15 लाख की असामी है। इसके बाप को फिरौती की चिट्ठी भेजी? भेज दी सरदार, जगीरा जवाब लेकर आता होगा। सरदार, क्या जवाब लाया है रे जगीरा? ठक, सरदार, छोरी के बाप ने पुलिस में रपट दर्ज करा दी है। क्या? लगता है बेटी प्यारी नहीं है उसे, दौलत प्यारी है। लोहा सिंह एक पत्र और फेंक कर आ उसके मुंह पर। बेहद मासूम थी वो लड़की, कसाईयों के पंजों में फंसी चिड़िया सी। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मेरी मम्मी का मेरा बिना रो रो कर बुरा हाल होगा। हृदय छलनी हो रहा था उसकी करुण पुकारों से, पर वो पत्थर बना रहा। खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, तुम भी शैतान हो उन सब की तरह। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे हाथ का खाना छूऊंगी भी नहीं। बेरहम, हत्यारे, कसाई, दरिंद्रे हो तुम सबके सब, कुत्ते हो जो दूसरों का झूठा खाता है। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती, चले जाओ, चले जाओ। जाने क्यों उसे क्रोध आ गया लड़की पर, और रोटी का अपमान करके तुमने मेरे क्रोध को भड़का दिया है। लड़की, खाना खा लो वरना सरदार से पहले मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। खाती हूँ। उसकी मासूमियत पर चाहकर भी मुस्कुरा ना सके होंठ। क्या नाम है तेरा? सोनिका। शायद तुझे नहीं पता कि ये दरिंदे तुझे सुबह खलास कर देने वाले हैं। तुम अपनी माँ से कहकर मुझे यहाँ से निकलवा दो ना प्लीज। दिल भर आया, आंसुओं का सैलाब बड़ी मुश्किल से रोक पाया वो। पर यहाँ से छूटकर तू जाएगी कहाँ? तेरा सौतेला बाप तुझे जिंदा देखकर खुश नहीं होगा। क्यों? तेरे बाप ने तुझे रास्ते से हटाने के लिए ये नाटक खेला है। कल हलकान सिंह को तेरे सिर की अवज में 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैंने अपने कानों से ये सब सुना है। नहीं, ये सुनकर उस मासूम के भी आंसू सूख गए, आंखें बिरान हो गई। उसी रात पिंजड़े से उड़ा दी उसने चिड़िया। चल भाग सोनू, जल्दी कर, दरिंदे आ गए तो दोनों के सिर उतार देंगे। सोनू, आज तक मुझे इस नाम से किसी ने नहीं पुकारा। खलबली मच गई हलकान के अड्डे में। सरदार, पिंजरा खाली है, चिड़िया उड़ गई, कुत्ते का पिल्ला भगा ले गया शायद उसे। पकड़ो उन्हें, खत्म कर दो उस लड़की को, और हाथ पांव तोड़ डालो उस कुत्ते की। उस खलबली का नतीजा सामने आया। सोनू, वो देख, उन्हें हमारी फरारी की खबर लग गई है। अब क्या होगा?
मुझसे अब और नहीं चला जा रहा सूरज। सूरज? हाँ, मैं तुझे सूरज कहूंगी। उसका नामांकन कर दिया लड़की ने। खूब आतिशबाजियां छुटी इस अवसर पर। नीचे बैठ जा सोनू, तेरे हाथ में थमी जलती मसाल पर गोलियां चल रही हैं सूरज। धाए धाए धाए। पथरीली राक्षसी सी खड़ी पहाड़ियां सोनू नाम के उस किरण को भी अंधकार में डुबो देगी, ये वो नहीं जानता था। सूरज, सोनू, सोनू। खूनी नदी के नाम से प्रसिद्ध थी वो जगह। छपाक, गुलू। अभागी सोनू की चीखें उसके कानों में पिघले शीशे से पड़ रही थी। सूरज, सूरज, सोनू, सोनू, गुलू। दूर होने लगी वे आवाजें। पागल सा हो उठा वो, ना जाने कब तक भयानक शोर मचाती उस खूनी नदी के सीने में तलाश करता रहा सोनू को। सोनू, आवाज दे सोनू, तू चुप क्यों हो गई? आवाज दे सोनू, आवाज दे। नदी से निकलकर वो सीधा पहुंचा पुलिस स्टेशन। ये लड़का हलकान सिंह के दल का है सर, आपको उसके अड्डे का पता बताना चाहता है। आंसुओं का खून उसकी आंखों में तैर उठा। हलकान सिंह का अड्डा? बता लड़के, बता कहाँ है? इस नाम को सुनकर लगा जैसे मस्तिष्क की समस्त नसें एक साथ फट जाएगी। पुलिस पार्टी के लिए वो दिवाली की रात थी। भागो पुलिस। धाए धाए, ढर ढर ढर। हलकान का सारा नशा निश्चय ही काफूर हो गया होगा ये सुनकर। सरदार, भागो सरदार, पुलिस को ले आया है वो कुत्ता। पुलिस? क्या उस सांप को इसी दिन के लिए पाला था मैंने? उफ। दरिंदों की लाशों के बीच हलकान सिंह और लोहा सिंह की लाशें ना मिल सकी। हलकान सिंह एक बार फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, पर सोनू की चीखें उसे बाल सुधार गृह की चार दीवारी में बांध ना रख सकी। तेरी मौत का बदला लूंगा मैं सोनू। हलकान सिंह को पताल से भी ढूंढ कर मारूंगा। महानगर बंबई में पदार्पण कर दिया उसने। यहाँ रहकर वो ताकत हासिल करूंगा जो हलकान के गले में फांस की तरह चुभ जाए। महानगर बंबई, जिसके बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि वहाँ इंसान जागता भूखे पेट अवश्य है, मगर सोता भूखे पेट नहीं है। दिलो दिमाग में उफनती हुई ज्वाला के साथ पेट की क्षुद्धा भी समाप्त करना आवश्यक था। उसने रास्ते से निम्न कोटि रेस्तरा पापेदा होटल में काम कर दिया। ओए कुत्ते दे बच्चिया, ए दाल मखनी मेज नंबर 10 पर ले जा। उसका अतीत पापेदा होटल में भी उसके साथ था। मेज नंबर 10 की तरफ बढ़ा वो, लेकिन तभी खनाक। किलर्स? जिम के लड़के? उनकी हरकतें किसी का भी क्रोध बढ़ाने के लिए काफी थी। पिचर। हाय लैला, बड़ी खूबसूरत छोरी है। एक नहीं, चार चार लैला है यहाँ तो। उनमें से एक उत्तेजित हुआ। रुक जा पकिया, बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ाना। गुंडों की तरह मारपीट करना लायन जिम का उद्देश्य नहीं है। बैठ जाओ। क्या बोला बे तू? गुंडा बोला तू अपन को? गुंडा बोलने पर तिलमिला उठा था वो गुंडा। गुंडा बोलता है साला अपन को? भड़ाक। रेस्तरा तो किलर्स जिम के लड़ाकों के आगमन के साथ ही खाली हो चुका था। साए ओ। एक किलर जिम का लड़का, दूसरा लायन जिम का जाबाज बॉडी बिल्डर। बकअप किलर, अगर उसके साथी बीच में पड़े तो हम जवाब देंगे, अन्यथा नहीं। किलर जिम जो अपराधी किस्म के लोगों का प्रशिक्षण स्थल था। तड़ाक। और लायन जिम जहाँ बॉडी बिल्डिंग को एक कला के रूप में सिखाया जाता था। बेहद दिलचस्पी के साथ वो उस जंग को देख रहा था। तड़ाक। शानदार है लायन जिम के जांबाज की जंग। उठ बच्चे, बहुत देर से तेरी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूं। हार बर्दाश्त नहीं हुई किलर्स जिम के लड़ाकों को। सटाक क्लिक। या पर मुकाबला लायन जिम के जांबाजों से पहली बार हो रहा था किलर्स जिम के लड़ाकों का। भिसुम। तड़ाक सट। एक एक बार बेहद सदा हुआ था। झाए खना। ये लो, ये सारा अपने सरदार जी को दे देना। तोड़फोड़ का मुआवजा इन्हीं के जेब का है। आंधी की तरह रेस्तरा से बाहर निकल गए लायन जाबाज।
रेस्तरा में रहकर मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता, पत्ते की तरह ये अपने शरीर को फौलाद बनाना होगा, लाइन जिम में ही मेरा लक्ष्य पूरा हो सकता है। निश्चय दृढ़ हो तो लक्ष्य दूर नहीं रह जाता, लायन जिम मेरा लक्ष्य। अदरक चाचा यानी मैं खुद उस जिम का कोच। ऐसे नहीं, इस कसरत के लिए पहले पूरी शक्ति लगाकर सांस खींचो। अदरक चाचा मुझे भी अपना शिष्य स्वीकार करना होगा तुम्हें। श्रद्धापूर्वक मेरे चरणों में झुक गया वो। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करे अदरक चाचा। उठो, कौन हो तुम? अपने अतीत के काले पन्नों का एक एक अक्षर वो मुझे बताता चला गया। गंभीर हो उठा मैं उसकी दुख दुख गाथा सुन। बाल सुधार गृह से भागकर आए हो, यही कारण पर्याप्त है तुम्हें अपना शिष्य ना स्वीकार करने का। नहीं, ऐसा मत करे अदरक चाचा। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ मैं, अगर आपने स्वीकार ना किया तो अपनी कसम पूरी ना कर सकूँगा, मेरी आत्मा धिक्कारती रहेगी मुझे। मासूम सोनों की चीखें पागल कर देगी मुझे। पल पर मेरे कानों में पिघले शीशे से घुलती रही है वे करुण पुकारें। लगता है यहीं कहीं से गूंज रही है वे चीखें, सूरज सूरज सूरज। जार जार हो रहा था उसका दिल पर छलकने नहीं दिया उसने अपनी आंखों से एक भी आंसू। मैंने शिष्य स्वीकार ना किया उसे, किंतु वहां रहकर जिम की देखभाली करने का काम उसे अवश्य दे दिया। अदरक चाचा के वरदहस्त के नीचे इतना समय भी बहुत है मेरे लिए। जिम की उन शानदार मशीनों पे हाथ फेरते वक्त उसके पूरे शरीर में झुरझुरी मच उठती थी। यही है वे मशीनें जिनसे आदमी फौलाद बन जाता है। विधिवत शिक्षा ना सही, सीखने की लगन हो तो देखकर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरे शिष्य के चले जाने के पश्चात जिम की सफाई के समय वो उन यंत्रों का प्रयोग करता था। अदरक चाचा का एक एक शब्द जो वे अपने शिष्यों को सिखाते हैं मैं ध्यान से सुनता हूँ। या और उस शाम किस्मत को आखिर रहम आ ही गया उस पर। हाँ, तब जब मेरी नज़र उस पर पड़ी। याहो, किलर्स जिम के किलर्स ने उसी शाम लायन जिम में प्रवेश किया। किलर्स 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 जिम के उन किलर्स का नेता था बोटी। किलर्स जिम के गुरु किलोटा का संदेश मैं तुझे देने आया हूँ बुढ़े। उसके संबोधन पर खून खोल उठा मेरे शिष्यों का। फिर भी मेरे संकेत पर बखेड़ा कुछ देर के लिए रुका। अगले रविवार को शरीर संठो प्रतियोगिता में तुम्हारे जिम के कुत्ते जीतने की कोशिश ना करे, वरना लायन के परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे। कई फुट ऊपर उछल गया बोटी। धड़ाक, अपने और अपने साथियों की खैर चाहता है बोटी तो चला जा यहाँ से। केलर्स जिम के उस दल का नेता था बोटी। या लायन जिम का गुरु था मैं। ठड़ाक, भरपूर शक्ति का प्रदर्शन किया बोटी ने। स्विस, और इस बार एक मजबूत दीवार सामने थी मेरे। ठक, पत्थर सा सख्त एवं खुरदरा हो उठा था मेरा स्वर। पकड़ लो इन्हें, लायन जिम अखाड़ा बन गया। तड़ाक धड़ ऊ धड़। लड़के के चेहरे पर भूकंप कैसे भाव थे। अदरक चाचा पर हाथ उठाने का दुस्साहस कैसे किया तूने? हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे। पटाक, गिरने के साथ ही वार किया बोटी ने। साए, मेरा ये वो शिष्य था जिसे केवल लायन जिम का शिष्य होने का ही सौभाग्य प्राप्त नहीं था। ठक धड़ाक, किंतु फुर्ती के साथ उठा बोटी और उसने दबोच लिया उसे। बोटी पर हाथ उठाया है तूने, तेरी जान ले लूंगा कुत्ते। गर्दन पर जमे इसके फौलादी हाथ के शिकंजे ने उसकी सांसों को रोक रखा था। वो छटपटा रहा था और बोटी पर वार पर वार किए जा रहा था। शरीर बनाना ही सीखा है मैंने यहाँ, लड़ने में तो यहाँ सभी अनाड़ी हैं सिवाय अदरक चाचा के। अब लगता है कि बच ना सकूँगा। उसे अभी जिंदा रहना था, शायद तभी तो मैं आ पहुँचा उसकी मदद को। तड़ाक, उसके बाद भाग लिया बोटी एवं भाग लिया उसके साथी गुंडे। मुझे क्षमा करें अदरक चाचा, आपके अनुमति के बिना मैं इस जंग में कूद पड़ा, लेकिन मेरी आंखें आपके जिस्म पर दुश्मन की दी खरोच देख नहीं सकती थी।
पूर्णतः गंभीर था मैं। सूरज, जानते हो आज तक मैंने तुम्हें अपना शिष्य क्यों नहीं स्वीकार किया? क्षमा करे अदरक चाचा, मेरा नाम सूरज नहीं है। सूरज तो उजाले का प्रतीक है, मेरा असली नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, तुम्हें हम इसी नाम से पुकारेंगे जो तुम्हें तुम्हारी सोनू ने दिया था। सोनू सूरज, अगर उस वक्त मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेता तो बदले की आग में तुम्हारे भीतर का फौलाद मर जाता। मैं चाहता था कि वो फौलाद, वो आग तब तक भड़के रहे जब तक तुम कुछ बन ना जाओ। तुम्हें जिम में प्रैक्टिस करते हुए मैं छिप छिप कर देखा करता था। आज मैं सफल रहा, मेरा शिष्य ना होते हुए भी तुमने जिस लगन एवं मेहनत के साथ अपनी विद्याएं सीखी है वो एक मिसाल होगी लायन जिम के लिए। अदरक चाचा, आज तुम वो बन गए हो मेरे बच्चे जो यहाँ बनने आए थे। उफ, अदरक चाचा, मैं आज तक ना समझ सका इस गूढ़ बात को। सूरज, आज मैं विधिवत तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। चाचा, मेरे पास देने के लिए गुरु दक्षिणा नहीं है, पर आप कभी सिर भी मांगे तो भी मैं खुद अपने हाथ से काट कर पेश कर दूंगा उसे आपके सामने। अगले दिन उसे साथ लेकर मैं पहुंचा एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर वो खुशी से नाच उठा। सूरज, ये है मेरा भाई हल्दी, ये तुम्हें कराटे सिखाएगा। हल्दी चाचा, लायन लायन ओकलट में तुम्हारा स्वागत करता है। सूरज, लायन ओकलट था जापानी एवं चीनी मार्शल आर्ट की गुप्त विद्याओं का प्रशिक्षण स्थल। हु हा, कराटे का प्रशिक्षण चरम सीमा पर था। उसी दिन सूरज को मैंने मिलवाया धनिया चाचा से। सूरज, यह है मेरा दूसरा भाई धनिया, और धनिया, यह है मेरा सबसे प्रिय शिष्य सूरज, जिसे तुम्हें बॉक्सिंग सिखानी है अपने क्लब लायन डेन में। जरूर अदरक, इसे मैं टायसन से भी बड़ा बॉक्सर बनाऊंगा। लायन डेन के कोच धनिया चाचा के संरक्षण में सूरज की बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी चालू हो गई। धप धप, लायन एम क्लब, जिसके कोच हैं चाचा काली मिर्च। काली मिर्च के पास पहुंचे हम उसी रात। काली मिर्च, तुम्हें इसे फायर आर्म्स की दुनिया में काली मिर्च, तुम्हें इसे फायर आर्म्स की दुनिया का बादशाह बनाना है। रिवॉल्वर, पिस्टल, SLR कार्बाइन, AK-47, टामी गन, स्टेन गन, बरेन गन से लेकर टैंक और फाइटर प्लेन तक चलाना सिखा दूंगा। लायन एम क्लब की शूटिंग गैलरी गूंज उठी धमाकों से। धाएं धाएं, उसी की सुबह होती लायन जिम में, दोपहर लायन ओकलट में, शाम लायन डेन में, और रात होती लायन एम क्लब में। स्विस, धाएं धाएं, दिन रात शरीर बनाने में लगे रहने के अलावा एक शौक और था उसे, कुत्तों से दोस्ती का। अपना थोड़ा बहुत खाली समय वो इसी तरह व्यतीत करता था। कुं। मुझे वो कुत्तों से बात करता एवं कुत्ते उससे बात करते महसूस होते थे। सूरज, जो भी कुत्ते तुमसे मिलते हैं तुम्हें प्यार कैसे करने लगते हैं? चाचा, तुम्हें तो पता है ही कि मेरा जन्म एवं जीवन इन्हीं के बीच गुजरा है, और इन्हें भी प्यार मिले तो इनसे बढ़कर कौन वफादार हुआ है इस दुनिया में? ये भी प्यार के भूखे होते हैं। उस दिन मैंने उसे एक अहम काम सौंपा। सूरज, अगले महीने जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होने वाला है उसके लिए हमारे जिम के प्रतियोगी की ये लिस्ट तुम्हें आयोजकों के पास जमा करानी है। और सावधान, किलर्स जिम वाले इस लिस्ट की वजह से तुम्हारी जान के पीछे भी पड़ सकते हैं। अदरक चाचा, ये लिस्ट आयोजकों के पास अवश्य पहुँचेगी, ये मेरा वादा है। उसके जाते ही जिम में घुसे किलर्स जिम के गुंडे गुंडे बोटी के साथ। इस बार वे थे हथियार बंद। कड़वी अदरक किलर्स जिम से उलझाने का परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जा। इससे पहले कि लायन जिम के जवाजों के शरीर में हरकत होती, बोटी की स्टेन गन में हरकत हो गई। हर साल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में किलर्स जिम जीतता आया है और इस बार भी जीतेगा। ठा ठा ठा, फौलादी जिस्मों में पेवस्त होने लगा बारूद। ठा ठा ठा, बरसों बरसों में मेहनत से बनाए जिस्म रेत के बोरे की तरह गिरने लगे। अपने जिम एवं अपने जवाजों की दुर्गति देख चिंघाड़ उठा मैं। कमीनों, ठहर जाओ, खुदा का खौफ खाओ, निहत्तों पर वार कर अपनी कायरता ना दिखाओ।
किंतु मेरे जिस्म में भी कमीनों ने भर दिया बारूद। मेरा सूरज होता तो तुम्हें ये दरिंदगी ना करने देता। धाएं धाएं ठा ठा ठा, उसका नाम सुनकर चौंक उठा बोटी। सूरज, हाँ वो पिल्ला कहाँ है? वो नहीं दिखा? सुना है बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है वो। बोल बुड्ढे, कहाँ है वो पिल्ला? देखो तो सही कितना जोर है उसकी बाजुओं में। वो गया है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की लिस्ट जमा करने, और उस कंपटीशन को जीत कर वो वसूल करेगा तुझसे इस दरिंदगी की कीमत। मेरी बात सुनकर उछल पड़ा वो। चलो रे, उसे रोकना है। भरी सड़क पर घेर लिया गया सूरज को। लाबे, वो लिस्ट हमें चाहिए जो बुढ़े ने दी है तुझे। क्रोध से फड़क उठी थी उसकी एक एक मसल। बोटी का गिरेबान पकड़कर चीख उठा वो। अदरक चाचा का नाम इज्जत से ले नीच। हाँ भाई, मरे हुए आदमी का नाम तो इज्जत से ही लेना चाहिए था मुझे। सन्नाटा सा खींच गया सूरज के दिलो दिमाग में। उछाल फेंकी उसने बोटी को। बोटी, तेरी बोटी बोटी अलग कर दूंगा नीच इंसान। फिर निकल पड़े खूंखार शस्त्र और गूंज उठे धमाके। ठा ठा ठाए, किंतु अब ये धमाके वो कमाल ना कर पाए जो वो लायन जिम में दिखाकर आए थे। ठन ठन ठन, बलिष्ठ भुजाओं का कमाल, भारी भरकम एनफील्ड जा पड़ी उन गुंडों पर। धड़ाक धड़ाक, ये है लायन जिम की ताकत का कमाल। और फिर सूरज ने किसी को संभलने भी ना दिया। ये है लायन डेन की शिक्षा का कमाल। थर थर, मोटरसाइकिलों पर सवार होने के कारण संभाल ना सका कोई उसे। यह है लैंड ओकलट के ट्रेनिंग का कमाल। तड़ाक, सड़क पर पड़े एक रिवॉल्वर को कब्जा कब्जा जमाया उसने। और यह है कमाल लायन एम का। सभी गुंडे के घुटने तोड़ डाले उसके सटीक निशाने ने। उफ, मोटरसाइकिल पर सवार हो और चला वापस लायन जिम की तरफ। अदरक चाचा, अगर तुम्हारे साथ इन्होंने कुछ नाजायज किया तो उनकी खैर नहीं। जिम में पड़ा मैं अब तक तड़प रहा था। तड़पता भी क्यों ना, इतनी मेहनत से बनाया था मैंने जिम शरीरों को। इतनी मेहनत से बनाया था मैंने जिन शरीरों को, वे मेरे सामने बेजान पड़े थे। तभी तूफान की तरह अंदर प्रविष्ट हुआ। अदरक चाचा, अदरक चाचा, कहाँ हो तुम? आवाज़ दो, बोलो। सूरज, मेरी जिंदगी छोड़ने को तैयार जिस्म को संभाला उसने। कुछ ना बोलो अदरक चाचा, तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। तुम्हें ठीक होना है, जिंदा रहना है तुम्हें, समझे? पगला सा पगला मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करने के लिए दौड़ पड़ा। अदरक चाचा, उन गुंडों की तुड़ाई कर आया हूँ मैं जिन्होंने आपकी यह हालत की है। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था तब वो हॉस्पिटल से बाहर दौड़ा जा रहा था। और अब उन सबकी जिंदगियों का बदला लूँगा जिन्हें तुम्हें जिन्हें मौत की नींद सुला आए थे शैतान। जिम में पहुंचा वो, और इस सोफे का, ये चमड़े का कवर, कुछ रंग बिरंगे पर्दों के कपड़े एवं रेक्सिन की ज़रूरत है मुझे। सिलाई मशीन लेकर बैठ गया वो। अपने असली सूरत में मेरा काम आसान ना होगा। कई पोशाकें तैयार की उसने। ये रूप अब मुझे किलर्स जिम के कोच किलोटा के खिलाफ निर्विघ्न जंग में सहायक होगा। वो मास्क भी चेहरे पर चढ़ा लिया। ये शक्ल अब कानून की निगाह में करेगी गैर कानूनी काम। उन जवान लाशों के पास पहुंचकर खाई उसने कसम। ये वो लिस्ट है जिसके कारण तुम्हारा कत्ल हुआ। इसे फाड़ता हूं मैं, क्योंकि अब मैं इससे भी बड़ी प्रतियोगिता लड़ने जा रहा हूं। निर्दोष एवं निरीह प्राणों को हारने वालों की हत्या के लिए निकाल रहा हूं जिसने जिसमें मेरी टक्कर कानून और अपराध दोनों से होगी। तब जिम में प्रवेश किया पुलिस ने, जबकि वो उस रात के अंधकार में शामिल हो चुका था। किलोटा से एक बड़ी लड़ाई लड़नी थी और उसके उसके लिए चाहिए थी हथियार हथियार भी। इस थाने के मालखाने ने कल आतंकवादियों से पकड़े गए हथियार होंगे जिन्हें आज मैं चुराऊंगा। अंदर आज उपस्थिति बहुत कम थी जिसका फायदा हो रहा था उसे। थाने के अधिकतर सिपाही गए हुए हैं लायन जिम, बाकी सो रहे हैं। और जो जगे हैं उन्हें मैं सुला दूंगा। अक,
मालखाने में घुस गया वो। ये देशद्रोही के हथियार अब सही हाथों में पहुंचे हैं। हथियारों पे हाथ साफ कर वो चुपचाप बाहर निकल गया। अदरक चाचा, तुम्हारा अपना बदला लेने के लिए तैयार है अब डोगा। अदरक चाचा का क्या हुआ? सूरज ने अपना नाम डोगा क्यों रखा? क्या सूरज उर्फ डोगा अपना एम अदरक चाचा का बदला ले सका? जानने के लिए पढ़े मैं हूँ डोगा। तो मिलते हैं इसके अगली कॉमिक्स मैं हूँ डोगा में। तब तक के लिए बाय। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी? कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।